हेलो वन, लेट्स स्टार्ट विद आवर आइल्स रीडिंग पैसेज। तो हमारे पास आज पैसेज है क्लाइमेट चेंज रिवील्स एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स इन नॉर्वेज ग्लेशियर्स। सो ये कुछ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो रिवील कर रहा है कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, कुछ पुरानी चीज़ें वो बता रहा है इन नॉर्वेज ग्लेशियर, राइट। सो वी हैव टू लुक कि हमारे पास किस टाइप की पैसेजेस है या पैराग्राफ्स है। वी हैव लाइक ए, बी एंड सी एंड वी हैव द क्वेश्चंस। Reading passage 2 had 8 sections, so we have total 8 paragraphs, and question type is which section contains the following information. Write the correct letter A to H in the boxes 14 to 19 on your answer sheet. So in passages में आप question ना भी देखो तो इस type की question में that will work. So let's start with our answers कि देखते हैं कि कौन से paragraph में कौन से information है। First paragraph, well above the tree line in Norway's highest mountains and ancient fields of ice are shrinking as Earth's climate warms. वो उसी की बात कर रहा है कि वार्म हो रहा है ग्लोब, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हो रही है। As ice has vanished, it has been giving up the treasures it has preserved in the cold storage for the last 6,000 years कि जैसे आइस वो वैनिश हो रही है तो वो काफ़ी ट्रेशर्स दे रहा है। आइटम्स सच एज एंशिएंट एरोज एंड स्कीज फ्रॉम वाइकिंग एज ट्रेडर्स एंड दोज आर्टिफैक्ट्स हैव प्रोवाइडेड आर्कियोलॉजिस्ट विथ सम सरप्राइजिंग इनसाइट्स इनटू हाउ एंशिएंट नॉर्वेजियंस मेड देयर लिविंग्स, राइट। सो ये बता रहा है कि हमारे जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स वो रिवील हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो आइस वैनिश हो रही है। सो लेट्स लुक कि कोई है हेडिंग। देखो हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं पर हमारे पास टोटल 8 पैराग्राफ्स है। दिस मीन्स कि हमारी जो 2 चीज़ें होंगी दैट विल 2 पैराग्राफ्स वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास है एन एक्सप्लेनेशन फॉर वेपन्स बीइंग लेफ्ट बिहाइंड नहीं बताया, रेफरेंस टू फिजिकल डिफिकल्टीज involved in archaeological expedition ये भी नहीं बताया, an explanation to wireless food की तो बात ही नहीं है, reference to possibility of future archaeological discovery नहीं, examples of items that would have been traded नहीं, reference to the pressure archaeologists are under to work quickly नहीं। इन सब में से कोई लग नहीं रहा बट स्टिल 1-2 अगर जो लग रहा हो विल लुक आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द पैसेजेस, राइट, बट फिलहाल के लिए नहीं लग रहा। सो लेट्स लुक इनटू द पैराग्राफ बी। ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक टेक्सटाइल्स एंड हाइड्स आर रिलेटिवली रेयर फाइंड्स एट आर्कियोलॉजिकल साइट्स की ये जो चीज़ें हैं कि ये चीज़ों को आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे ढूंढना बड़ा मुश्किल है। दिस इज़ बिकॉज अनलेस दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन डिके, क्योंकि वो मतलब ख़राब हो सकता है। दे टेन नॉट टू लास्ट लॉन्ग, उनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग नहीं होती। एक्सट्रीम कोल्ड इज़ वन रिलायबल वे टू कीप आर्टिफैक्ट्स relatively fresh for a few thousand years, right। कि जो कोल्ड है वो एक रीज़न बन जाता है कि जो आर्टिफैक्ट्स है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो ज़्यादा उनकी लाइफ लॉन्ग बन जाती हैं। बट वंस वॉट आउट दीज मटेरियल्स एक्सपीरियंस डिग्रेडेशन रिलेटिवली स्विफ्टली, तो ये जब चीज़ें हो जाती है उसके बाद उनकी डिग्रेडेशन बहुत धीरे धीरे होती है, तेज़ होती है ऐसे करके, राइट। विद क्लाइमेट चेंज श्रिंकिंग आइस कवर्स अराउंड द वर्ल्ड ग्लेशियर्स आर्कियोलॉजिस्ट नीड टू रेज द क्लॉक टू फाइंड न्यूली रिवील्ड आर्टिफैक्ट्स। कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहा है, आइस के जो कवर है वो श्रिंक हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो अभी जो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या करना चाहिए, वो जल्दी से जल्दी उनको नए आर्टिफैक्ट्स ढूंढने चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए एंड स्टडी देम, उनको उनकी स्टडी भी करनी चाहिए। इफ़ समथिंग फ्रेजाइल डाइज एंड इज विंड ब्लोन इट माइट वेरी सून टू बी लॉस्ट टू साइंस, तो अगर वो सपोज करो मतलब ड्राई हो जाए या विंड ब्लोन उड़ जाए, मतलब जस्ट लैंग्वेज कह रहे हैं, तो वो साइंस के लिए भी चला जाएगा, है ना। एरो माइट बी एक्सपोज्ड एंड देन कवर्ड अगेन बाय द नेक्स्ट स्नो एंड रिमेन वेल प्रिजर्व, कि अगर एक कोई चीज़ है वो स्नो के साथ ढक गई और आगे वो वेल प्रिजर्व रहेगी। द अनप्रिडिक्टेबिलिटी मीन्स दैट ग्लेशियर आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू बी सिस्टमेटिक इन देयर अप्रोच टू द फील्ड वर्क। देखो ऐसे यहाँ पे 2 पैराग्राफ होते हैं तो मोस्टली ये नहीं कह रहा कि यही होता है, बट मोस्टली इन सेकंड पैराग्राफ्स पे आप फोकस कर सकते हो। सो लेट्स सी कि यहाँ पे बात क्या की गई है, यू कैन डू मैपिंग। क्या क्या कह सकते हो कि यहाँ पे बात ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर की गई है कि उनको अपना फील्ड वर्क करना चाहिए, ताकि वो जो स्टडी कर पाएँ, प्रिजर्व कर पाएँ, राइट। सो इन सब चीज़ों की बात की गई है। लेट्स लुक कि ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे बताई गई है। सो हियर वी हैव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वेपन्स बीइंग लेफ्ट ओवर। नहीं, वेपन के बारे में बताया बट वो रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अ रेफरेंस टू फिजिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन आर्कियोलॉजिकल एक्सपेंडिशन, नहीं। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई लेस फूड की बात नहीं है। रेफरेंस टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी बात की है पर एम्फोसिस नहीं है। ये भी हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल्स ऑफ आइटम्स दैट वुड हैव बीन ट्रेडेड, नहीं, कोई ट्रेड की बात नहीं है। रेफरेंस टू प्रेशर आर्कियोलॉजिस्ट आर अंडर टू वर्क क्विकली, येस इट इज़ द करेक्ट। वाई? क्योंकि उनके ऊपर इतना वो प्रेशर कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर प्रेशर है कि वो स्टडी कर पाए ताकि वो वर्क क्विकली कर पाए, राइट। हमने पढ़ा है ना पैराग्राफ में। सो दैट्स वाई 19 का आंसर आ गया हमारा बी। एंड लेट्स लुक फॉर द अनदर हेडिंग। पैराग्राफ सी में जाएंगे। ओवर 9 ईयर पीरियड, राइट, अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट विच इंक्लूडेड लार्स पिल् ऑफ ओपलैंड कंट्री काउंसिल नॉर्वे एंड जेम्स बैरेट ऑफ मैकडोनल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च सर्वेड पैचेस ऑफ आइस इन ओपलैंड। तो इन्होंने सर्वे किया जो आइस के पैचेस थे ओपलैंड में। एन एरिया ऑफ सदर्न साउथ सेंट्रल नॉर्वे दैट इज़ होम टू सम ऑफ द कंट्रीज हाइएस्ट माउंटेन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है। रेनडियर वंस कॉन्क्रीगेटेड टू ऑन दीज आइसी पैचेस, वहाँ पे आए थे इन द लेटर समर मंथ्स टू एस्केप बाइटिंग, वो जो एस्केप करने के लिए बाइटिंग को, एंड इंसेक्ट्स एंड फ्रॉम द लेड स्टोन, राइट, एज हंटर्स फॉलोड। इन एडिशन ट्रेड राउट्स threading through the mountains passes of the Oppland, linking settlement in the Norway to the rest of the Europe. And then, the slow but steady movement of glaciers tend to destroy anything at their bases. So, team focused on stationary patches of ice. इन पे टीम फोकस करे जो स्टेशनरी, जो खड़े हुए हैं, जो आइस के पैचेस, मोस्टली अबव 1,400 meters that ice is found amid fields of frost, weathered boulders, fallen rocks and exposed bedrock that for 9 months कि 9 महीने के लिए वो ऐसे चीज़ें इन चीज़ों के थ्रू गई है। एंड ऑफ द ईयर इज़ बरेड बीनीथ स्नो, कि स्नो काफ़ी पड़ी थी उस टाइम। फील्ड वर्क इज़ हार्ड वर्क, हाइकिंग विद ऑल आर इक्विपमेंट्स, ऑफन कैंपिंग ऑन परमाफ्रॉस्ट बट वेरी रिवॉर्डिंग। कह रहे हैं कि जो फील्ड वर्क है वहाँ पे जाए काम करना वो बड़ा मुश्किल है, हाइकिंग करना और कैंपिंग करना वहाँ पे बड़ा मुश्किल है पर रिवॉर्डिंग है। यह रेस्क्यूइंग द आर्कियोलॉजी, कि जो आर्कियोलॉजी है वो उसको रेस्क्यू कर रहे हैं। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है कि बेसिकली जो पुरानी चीज़ों की रिसर्च करनी, उनके बारे में पता करना, स्टडी करना, दैट इज़ ऑल अबाउट दैट। ब्रिंगिंग द मेल्टिंग आइस टू वाइडर अटेंशन, कि जो आइस मेल्ट हो रही है कि उनको वाइडर अटेंशन में, मतलब स्टडी पे लेके आना। डिस्कवरिंग अ यूनिक एनवायरमेंटल हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री पढ़ना कि कैसे आया वो। एंड रेडी कनेक्टिंग विद द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि वो ताकि रियली कनेक्टिंग विद द नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि वो कैसे कनेक्ट हो रही है, किसने कहा, बेरेट ने। सो वी हैव टू लुक कि कहाँ पे हमें दिया हुआ है। एंड वी विल लुक इनटू द हेड ऑल दिस क्वेश्चंस। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई फॉर वेपन्स बीइंग लेफ्ट, नहीं, वेपन की तो बात ही नहीं की अभी तक। अ रेफरेंस टू फिजिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन आर्कियोलॉजिकल एक्सपेंडिशन, येस, कि जो आर्कियोलॉजी जो कर रहे हैं उनके लिए जो फिजिकल डिफिकल्टीज है, हमने पढ़ा है ना अभी कि मुश्किल है पर रिवॉर्डिंग है। सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ गया, पैराग्राफ सी, राइट। So let's move ahead. Paragraph to D. At the edges of contracting ice patches, archaeologists found more than 2,000 artifacts. तो उन्होंने कहीं पे 2,000 से ज़्यादा artifacts पाए, which formed a material record that ran from 4,000 BCE to the beginnings of Renaissance in the 14th century. मैनी ऑफ द आर्टिफैक्ट्स आर एसोसिएटेड विद हंटिंग, ठीक है, कि जो काफ़ी आर्टिफैक्ट्स है वो हंटिंग के लिए जुड़े हुए हैं। मे बी वो वाला हंटिंग वाला हमें यहाँ पे मिल जाए। हंटर्स वुड हैव ईजीली मिसप्लेस्ड एरोज एंड दे ऑफन डिस्कार्डेड ब्रोकन बोज रेदर देन take them all the way home. Other items could have been used by hunters traversing the high mountain passes of Oppland. All-purpose items like tools, skis and horse track. So, हमें इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि जो उनको जो हंटर्स हैं उनकी जो गुमी हुई चीज़ों के बारे में ज़्यादातर फोकस इनमें ही किया गया है. सो लेट्स लुक कि इसके बारे में क्या वो हो सकती है. एन एक्सप्लेनेशन फॉर वेपन्स बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द माउंटेन्स, राइट. एग्जैक्टली यही है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बात कर रहा है कि कैसे वो अपने जो पुराने वहाँ पे लोग होते हैं, हंटर्स होते हैं, वो छोड़ गए थे और वो कैसे डिस्कवरी के लिए वो कुछ चैनल बन सकते हैं, राइट. सो इसका आंसर आ गया हमारा डी, राइट. सो अभी हमने कितने कर लिए? 14, 15 and 19. 3 आर लेफ्ट. वी आर गोइंग टू डू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे अपडेटेड. यू कैन सब्सक्राइब फॉर द लेटर वीडियोज़. वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद न्यू स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक्स. आई विल शेयर सम ऑफ दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.